इस डिजाइन को हम बनाने वाले हैं बिना सिलाई मशीन के, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक हम कपड़ा ले लेंगे, इसे 1.5 सेंटीमीटर का है, दोनों तरफ से इसे नाप लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ये देखिए इसको ऐसे मोड़ लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम टाका लगा देंगे, ये हमारा हो गया यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इसे इस तरह से रख लेंगे। इसी तरह तीन पीस बना लेंगे। अब दो पीस लेकर ऐसे रखेंगे, इसको ऊपर से ऐसे रखेंगे, ये देखिए इस तरह से इसको रखकर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे सिल लेंगे इसको, ये हमारा यहाँ पे हो गया इस तरह से। अब इसको भी लेकर इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, देखिए नीचे से नहीं रख रहे हैं, ऊपर से रख रहे हैं इसको। ऊपर से रखकर यहाँ पे इसको भी सिल लेंगे, ये देखिए इस तरह से इसको हम सिलते जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे ये सिला गया है इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे हो गया ऐसे। अब इसको भी हम ऐसे ऊपर से लेंगे, ये देखिए इस तरह से ऐसे ले लेंगे, ये हो गया। यहाँ पर इसको हम टाका लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसको हम ऐसे सरकाएंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे इसको सरका लेंगे यहाँ पे, इसको अच्छे से ऐसे गोल करेंगे, ये देखिए इसको अच्छा से ऐसे गोल बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। इसको आराम आराम से करना होता है, ये हो गया। अब इसे हम कट करके इसको ऐसे, ये देखिए मस्त बन गया है छोटा सा। अब ऐसे ही पांच पीस और लेंगे, इसको भी हम एक एक कर कर ऐसे सिलेंगे। इसको भी हम ऊपर से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे इसको सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। जैसे हमने उसको सिला उसी तरह इसको भी हम सिलेंगे। फर्क बस इतना है कि वो तीन पीस का था, ये हम पांच पीस का बना रहे हैं। इसको भी हम ऊपर से ही लेकर ऐसे सिलेंगे इस तरह से, ये देखिए ये हमारा हो गया है यहाँ पे। अभी और दो बाकी है, उसको भी हम ऐसे ही एक एक कर कर सिलेंगे आराम आराम से। ये देखिए इसको हम सिल नहीं रहे हैं, इसको हम टाका लगा रहे हैं, इसको हम लोग गुलना बोलते हैं, जिसे हम गुल रहे हैं ऐसे, ताकि ये सरक सके। इसे सरकना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे गुल रहे हैं इसको। अब इसको भी हम यहाँ पे ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से सिलने पर ये अच्छे से सरकता है, इसीलिए हम इसको ऐसे सिलते हैं, ये देखिए। ये हो गया इस तरह से। इसको भी हम ऊपर से लेंगे ऐसे, ये देखिए। ये हमारा हो गया है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ये मस्त बन गया है। इसका कोन पकड़ कर इसको ऐसे धीरे धीरे सरकाएंगे, ये देखिए ये धीरे धीरे सरकते जाएगा ऐसे। फिर इसको नीचे से फैलाएंगे, फिर इसको ऊपर से इसको फैलाएंगे। पहले इसको नीचे से फैला लेते हैं, फिर इसको अब हम ऐसे ऊपर से इसको फैला लेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पर हम एक टाका लगा के
इस तरह से इसे हम निकाल लेंगे, इसे तो कट कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया। अब इसमें इसको हम ऐसे डालेंगे, ये देखिए इसको हम यहाँ पे चिपका नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही डाल रहे हैं क्योंकि हम इसका यूज अभी नहीं करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे पैक कर दिए। देखिए मस्त डिजाइन बनकर तैयार है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।